हेलो दोस्तों, मैं सरोज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिमला मिर्च की पकौड़ी की रेसिपी। आपने पकौड़े तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, आप मेरे कहने पे एक बार शिमला मिर्च के पकौड़े बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप शिमला मिर्च की भी रेसिपी बहुत ट्राई किए होंगे, एक बार पकौड़े बना के देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए रेसिपी चालू करते हैं। मैंने यहाँ शिमला मिर्च को पहले से धो के साफ कर लिया था और इसमें का जो बीच का हिस्सा है हम चाकू की मदद से काट के निकाल लेंगे, और जो शिमला मिर्च है हम इसके पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। सारे स्लाइसेस को आप एक ही साइज से ही काटें, पकौड़े दिखने में अच्छे लगते हैं। ऐसे ही बाकी के हम शिमला मिर्च को काट लेंगे। अब चलेंगे इसका हम घोल बनाएंगे। अब हमने शिमला मिर्च काट लिया है। 4 से 5 चम्मच मैंने बेसन लिया है, मेरा छोटा चम्मच है। आपकी आप अपने हिसाब से घोल बनाएं, आपको जितने पकौड़े बनाने हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो चावल काटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे पकौड़े और क्रिस्पी बनते हैं। बट मेरे पास अभी चावल काटा नहीं था तो मैंने बेसन से ही बना दिया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन ले रही हूँ और हाथों से मसल के डालूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है बेसन में अच्छे से आ जाए। इसका टेस्ट जो है पकौड़े में बहुत अच्छा आता है। फिर यहीं पर लूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। हमारे घर में सबको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैं 2 चम्मच दे रही हूँ। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप 1 चम्मच लें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम घोल बनाएंगे। ध्यान रहे आपको मोटा घोल बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको इस तरह घोल चाहिए। अब घोल को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरा 10 मिनट हो चुका है। अब एक जब मैंने शिमला मिर्च काट के रखा था इसमें डाल देंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे तेल को गर्म ना करें, मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब अपने शिमला मिर्च को हम घोल में डिप करके डालेंगे कढ़ाई में। जिसका आप देख रहे हैं इस तरह का तेल गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल जो ज़्यादा लो पे गर्म रहेगा उससे भी आपके पकौड़े जो है अच्छे नहीं बनेंगे, ऊपर की जो कोटिंग है बेसन की वो निकल जाएगी। तब ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना करें या ना ज़्यादा लो रहे, मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़े को तले। जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड के पकौड़े हमारे पक चुके हैं। अब दोनों साइड हम पलटते हुए इसको फ्राई करेंगे एक अच्छा कलर आने तक, जब तक इसमें थोड़ा लाइट कलर ना आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पकौड़े दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और एक अच्छा कलर भी आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर का आया है इस पर। अब इसको हम निकाल देंगे प्लेट में। तो तैयार है हमारा यहाँ पर शिमला मिर्च के पकौड़े। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।